हंसी खुशी का माहौल जो है थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंटर्स का फैसला जो है वो मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे हमारे बॉटम टू में ऑलरेडी जो है दो हमारे सिंगिंग स्टार्स जो अनसेफ हैं वो हैं अभिषेक एंड मम्पी। मैं चाहूंगा पहले आप दोनों प्लीज मंच पे आ जाए। और अब मैं बताता हूं कि आज के बॉटम टू कौन है। आज जो आए हैं अनसेफ जोन में उनका नाम है विशाक। आ जाइए। आज का दूसरा नाम जो है अनसेफ जोन में वो है कमल। ये है हमारे बॉटम फोर और इनमें से ही आज किन्हीं दो को ये मन छोड़कर जाना होगा। सबसे पहला नाम जो आज ये मन छोड़ के जा रहा है वो है अभिषेक। और दूसरा नाम जिसे आज ये मन छोड़ के जाना पड़ेगा वो है मम्पी। रणवीर कुछ कहना चाहते हो आप? Well, क्योंकि ये कंपटीशन है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस इतने बड़े मंच सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार में पहुँचे हो, और कंपटीशन है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये जिंदगी का नियम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना हौसला हारो। यू नो, हौसला बुलंद रखो, मेहनत करो, लगन से काम करो, एंड आई एम श्योर वन डे यू विल बी द सिंगिंग सुपरस्टार ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। यू नो, मैं भी एक कॉम्पिटिशन के जरिए से ही इस फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ। मैं मिस इंडिया बनी, फिर मिस वर्ल्ड बनी, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे फिल्मों में आने का मौका मिला। तो मुझे मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंस होता है। मैं समझ सकती हूँ कि जब आप इस मंच पर आते हैं तो स्ट्रेस कितना होता है, और एक कंपटीशन के ज़रिए अपने सपनों को हासिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप इंडिया के सामने इस मंच पर यहाँ तक पहुँचे, वो भी सारे गामा पा में, जो इतना बड़ा शो है, और आपको इतने दिग्गजों ने बोला है कि आप उनके साथ काम करें, तो ये बहुत बड़ी बात है मम्पी, तुम्हारे लिए भी और अभिषेक के लिए भी। आई थिंक इस लास्ट फेयरवेल के लिए अगर विशाल शेखर एक गाना गा सकते हैं, जो गाना है इनाफ इन मंजाना अनजानी, तुझे भुला दिया, आई थिंक इट विल बी अ गुड फेयरवेल एंड टू, और ये हमारा डेडिकेशन है आप दोनों के लिए। आप दोनों के लिए। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं तुझसे ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया।